गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठीक है बच्चों, तो जीवन परिचय में आज हम करेंगे सदारंग जी का जीवन परिचय, जिसको हम नियामत खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसका जन्म लेते हैं। इनका सदारंग जी का जन्म सन 1670 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम यहाँ मैंने लिखा है, आपको बुक में मेंशन नहीं है। पिताजी का नाम लाल खां साने था और इनके दादाजी का नाम खुशहाल खां था। ठीक है, ये 18वीं सदी के प्रसिद्ध बीनकार होते हैं, जो वीणा बजाते हैं, वीणा वादक तथा ध्रुपद गायक रहे हैं। मीन्स कि 18वीं सदी में इनसे बड़ा कोई भी संगीतकार, वीणा वादक या ध्रुपद गायकी वाले नहीं हुए, उस समय के यही थे। इनका वास्तविक नाम नियामत खान था, सदारंग तो इनको बाद में महाराजा जी ने दिया था। इन्होंने ख्याल की अनेक बंदिशों में सदारंगीले मोम दशा नाम कई बार आता है, ये इनकी ही बनाई हुई चीज़ें हैं। आपने अगर ख्याल की बंदिशें सुना होगा तो उसमें सदारंगीले मोम दशा नाम जो है, ये बहुत बार आप रिपीटेशन में सुनेंगे, तो ये इन्होंने ही बनाई थी। ये अपनी ही बनाई हुई रचनाओं में अपने आश्रयदाता बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को खुश करने के लिए उनका नाम जोड़ते थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, ये उनके दरबार में काम करते थे, तो जब ये अपनी रचना बनाते थे तो उन्होंने इनको आश्रय दिया था बादशाह जी ने, तो हर चीज़ में उनका नाम वो ऐड करते थे, जिससे बादशाह उनसे खुश रहे और उनको इनाम देते रहें। ठीक है, इसके बाद माना जाता है कि तानसेन जी की पुत्री के वंश में ये 10वीं पीढ़ी के व्यक्ति थे। इससे पहले आपने तानसेन जी का जीवन परिचय पढ़ा है, उसमें आपने उनकी पुत्री सरस्वती के बारे में भी सुना है। ठीक है, तो उनकी पुत्री के जो वंशज थे उनकी 10वीं पीढ़ी थे, उसमें ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम लाल खां सानी तथा बाबा का नाम खुशहाल खां, ये नौबत खां के वंशज थे। ये फिर आ गया, यहाँ पर आ गए, नौबत खां के वंशज थे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है शिक्षा। इन्होंने मूल रूप से, ये ग्वालियर के थे मूल रूप से, तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ही ली। ये मुख्यतः ध्रुपद गायक व बीनकार थे। मीन्स कि ध्रुपद गायक जैसे अभी पहले आया है वीणा वादक, और ध्रुपद गायक ये सबसे बड़े थे उस वक्त के महान कलाकार। ये खानदानी बीनकार थे, मीन्स के खानदानी, इनके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी वीणा वादक चलते आ रहे थे, इसीलिए इनको यह परंपरा अपने खानदान से ही मिली। संगीत की शिक्षा इन्होंने अपने परिवार के लोगों से प्राप्त की। इनके परिवार में बहुत बड़े संगीतकार, बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी संगीत की तो उन्हीं लोगों से ही ली थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है संगीत में योगदान, कि इनका संगीत में योगदान क्या है। सदारंग को मुख्यतः बीनकार तथा ख्याल रचयिता के रूप में याद किया जाता है। मीन्स को इनको जो याद करने की परंपरा है इनके शिष्यों के द्वारा, संगीतकारों के द्वारा, तो सबसे पहले प्रमुख वीणा वादक के रूप में और ख्याल की रचना करने वाले के रूप में इनको याद किया जाता है। यद्यपि ख्याल रचना तथा ख्याल गायन का प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है, आपने अमीर खुसरो जी के बारे में सुना हुआ है, मेन तो उनको ही माना जाता है कि ख्याल गायक के प्रवर्तक रचनाकार यही हुए थे। इसके बाद शाह हुसैन शर्की, बाज बहादुर, चंबल सेन, चांद खां, सूरज खां इत्यादि ने भी ख्याल रचना में उल्लेखनीय कार्य किया था। तो अमीर खुसरो जी के बाद में इन सभी ने भी, ये जो भी नाम आप देख रहे हैं, इन सभी ने भी ख्यालों के रचना में बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य किया, किंतु ख्याल गायन अधिक लोकप्रिय ना हो सका। कहने का मतलब ये कि इन लोगों की मेहनत के बावजूद भी जो ख्याल गायकी थी इतनी अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाई। नियामत खां अपनी रचनाओं में अपना उपनाम सदारंगीले के साथ बादशाह का नाम भी डालने लगे, इन्हें सुनकर बादशाह बड़े प्रभावित हुए। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा प्रचार में कब आई, जब नियामत खान जी आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में
उपनाम सदा रंगीले बादशाह का नाम डालने लगे, जिससे बादशाह खुश हुए। इनका मत था कि यदि ख्यालों में बादशाह की प्रशंसा की जाएगी तो ये ख्याल जो है चारों तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे और क्या होगा, बादशाह खुश होंगे और ज़्यादा प्राइजेस उनको देंगे। इसके बाद आते हैं, नियामत खान ने सैकड़ों साल ख्याल बंदिशों की रचना की तथा अपने शिष्यों को भी सिखाई। इन्होंने बहुत सारी ख्याल बंदिशों की रचना की और इसके साथ साथ अपने शिष्यों को भी सिखाया। उनका कई जगह ये मत आता है कि उन्होंने ये सारी रचनाएं अपने शिष्यों को सिखाई, खानदान वालों को नहीं सिखाई। वो कहते थे ये रचनाएं मैंने खानदान के लिए नहीं बनाई हैं बल्कि अपने शिष्यों के लिए ही बनाई हैं। ऐसा कई लोगों का मत है। सामान्यतः साधारण अपने ये ख्याल महफिल में नहीं गाते थे, ठीक है, और महफिलों में ज़्यादातर ये नहीं गाते थे। और कहा जाता है कि यह शैली आज की सर्वश्रेष्ठ शैली बन गई थी, मीन्स कि जो उनकी ख्याल गायकी की शैली है आज के लोग इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे खुद ध्रुपद ही गाते थे, मोस्टली उनका जो कमांड था, गाने का तरीका था, वो ध्रुपद ही था। किंतु इनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें थी समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और बाद के ख्याल गायकों ने इन्हीं की चीज़ों को अपनाया था। अतः साधारण के कारण ख्याल गायकी का बहुत ज़्यादा प्रसार व प्रचार हुआ। इन्हीं की वजह से ख्याल गायकी का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर अमीर खुसरो जी ने प्रवर्तक माने जाते हैं, खां साहब, चांद खां, सूरज खां, चंबल बहादुर चंबल सेन, इन्होंने भी इनकी रचना की, लेकिन वो क्या है, इतने लोकप्रिय इनको नहीं कर पाए। इसकी लोकप्रियता का श्रेय, ख्यालों की लोकप्रियता का श्रेय जो है गायकी का, सदारंग जी को ही जाता है। ये कहने का मतलब है कि इनके कार्यकाल में इसका प्रचार व प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। इन्होंने पंजाबी, ब्रज, अरबी, फारसी तथा राजस्थानी भाषाओं में अनेक गीतों की रचना की। ख्याल गायकी के साथ साथ इन्होंने इन सब भाषाओं में भी महारत हासिल की और गीतों की रचना की, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, सदारंग के ख्यालों में श्रृंगार रस की बहुत अधिकता थी। वो श्रृंगार रस को सबसे सर्वोप्रिय मानकर सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते थे, तो उनके ख्यालों में ये रस ज़्यादा होता था। इसके साथ ही बादशाह की प्रशंसा भी इनके ख्यालों में मिलती थी और ख्यालों में बादशाह की प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा करते थे। किसके लिए, जिससे बादशाह उनसे खुश रहे और क्या कहें, इनाम देते रहें, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ इनका योगदान। अब आ जाते लास्ट में निधन। सदारंग जी का निधन 1748 में हुआ था। लगभग इसी समय अनेक आश्रयदाता बादशाह मोहम्मद शाह का भी पतन हो गया था। कहने का मतलब ये कि 1748 में इनका निधन हुआ, निधन से थोड़े टाइम पहले ही जो इनके आश्रयदाता थे, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले, जिसका नाम इन्होंने अपने ख्यालों में भी दिया, उनका पतन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो क्या है, और इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनके शिष्य जो हैं अपने आश्रय की तलाश में, अपना पेट भरने के लिए, कार्य की तलाश में आसपास की रियासतों में चले गए, क्योंकि मोहम्मद शाह जी का पतन हो चुका था। तो बच्चों, ये सदारंग जी अथवा नियामत खान जी, जो दोनों नामों से जाने जाते हैं, इनका जीवन परिचय है। आप इस परिचय को ध्यान से वीडियो को सुनना, समझना और लर्न करना, ठीक है। और बुक में भी आपको दी हुई है, वहाँ से आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। वीडियो को समझकर आपको आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।